बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, अजीज़ मोमिनीन, आमंत का मौसम लतूरियाई साल का शुरू है, इसलिए मैं आप सबको बड़े एहतराम, बड़ी इज्जत, बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत के साथ आप सबों को आमंत के खूबसूरत मुबारक अयाम जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें बख्शे हैं, मैं आप सबों को आमंत के अयाम मुबारक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मौसम बड़ा ही खूबसूरत मौसम है जिसमें पात्मा कैथलिक कलीसिया लतूरियाई साल का आगाज करती है और हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी करते हैं। और ये मखसूस अयाम खुशी, उम्मीद और इंतजार के अयाम है कि किस तरह हम मुनंजिये दो आलम खुदावंद यीशु मसीह की वलादत को मनाने के लिए पाक मां कलीसिया हमें चार अतवार, चार हफ्ते फराहम करती है ताकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ आमद के इन खूबसूरत अयाम में खुदावंद यीशु मसीह की वलादत को मनाने के लिए अपने दिलों की राहों को बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार कर सकें। पुराने और नए अहदनामे के मुसन्फीन और अंबिया सब के सब मुसरत, शादमानी और खुशी की नवीद जो है वो हम सबों को सुनाते हैं, क्योंकि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुबारक और मुकद्दस अयाम है, हमारी निजात के अयाम है और हमें ये अयाम फराहम करते हैं, मौका देते हैं, वक्त देते हैं कि हम अपने आप को बेदार करें, अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के दिन को मनाने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ इन अयाम को रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर मनाने वाले बने। ये वो अयाम है जब खुदा यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर, इस धरती पर आया और हमें इस बात की दावत देता है कि हम भी अपनी सारी बातों को, सारी मसरूफियत को, सारे कामों को, अपनी जिंदगी में जो हम हर रोज के काम करते हैं, हम भी जरा उनको एक तरफ करके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू लाएं। आमद के अयाम किसी आम शख्स को बयान नहीं करते बल्कि ये आमद आमद यीशु मसीह की आमद है, इसलिए आमद के अयाम से कलीसिया बाकायदगी के साथ बाकायदा तौर पर लतूरियाई साल का आगाज करती है, जिस तरह मैंने बताया कि ये एक एक लम्हा, एक एक दिन जो है वो हमें तैयार करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी राहों को तैयार करें। ये मौसम खुदावंद यीशु मसीह की वलादत की पैदाइश से चार हफ्ते पहले शुरू होता है। आमद के अयाम खुशी और गमी ये दोनों को जाहिर करते हैं कि कलीसिया पहले दो इतवार को आमदे सानी और दूसरे दो इतवारों को आमदे अव्वल की लतूरिया मनाती है। आमद लातीनी जबान के लफज एडवेंट से माखिज है, जिसे अंग्रेजी जुबान में एडवेंट कहकर पुकारा जाता है, जिसका मतलब है आना, तशरीफ लाना या किसी की आमद का होना। और यह आम इंसान के लिए नहीं बल्कि यह इब्ने मरियम की आमद है, ये यीशु की आमद है, इसलिए यह मौसम चार हफ्तों पर मोहित है। इस दौरान चार मोमबत्तियां, चार कैंडल्स जो हैं वो रोशन की जाती हैं। पहली कैंडल उम्मीद को जाहिर करती है, दूसरी कैंडल जो है मोहब्बत को जाहिर करती है, तीसरी कैंडल जो है ये खुशी को जाहिर करती है और चौथी कैंडल जो है
ये अमन को जाहिर करती है। और तीन मोमबत्तियां जो जामनी रंग की हैं, ये तोबा की दावत देती हैं, रियाजत की दावत देती हैं, मुआफी की दावत देती हैं, कबूलियत की दावत देती हैं। जबकि चौथी मोमबत्ती जो गुलाबी रंग की है, वो हम सबों को शादमानी की और खुशी की खबर देती है कि हम जागते रहें और दुआ करें। मैं आमद के इस खूबसूरत सीजन में, जो खुशी और शादमानी का मौसम है, आपको आपके ग्रानों को ये आमद के अयाम मुबारक कहता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं कि आप भी जरूर आमद की यह रीत जो है आप गिरजाघरों में देखेंगे कि बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको सजाया जाता है, इसको खूबसूरत बनाया जाता है। आप भी जरूर खानदानी तौर पर आप अपने घरों में छोटी रीत बनाएं, छोटी या बड़ी जैसे भी आपको मुनासिब लगती है, अच्छी लगती है कि मेरे घर में, मेरे खानदान में ये रीत होनी चाहिए। तो फिर जरूर आप अपने घर में, जब हम 27 नवंबर से आमद का पहला अतवार मनाएंगे, आमद की पहली मोमबत्ती रोशन करेंगे जो उम्मीद की कैंडल है। मैं आपको थोड़ा उम्मीद की कैंडल के बारे में बताना चाहता हूं कि आज भी इंसान जो है वो गम से निडाल है, बीमारियों में जकड़ा हुआ है और इंसान तरह तरह के फिक्र और तरद्दुद में है। इंसान जो है वो परेशान है, इंसान जो है वो गुमराह हो चुका है, इंसान जो है वो अपनी जाती मसरूफियत में इतना खो चुका है कि उसके पास शायद टाइम थोड़ा है कि वो अपने रब के साथ बातचीत करे, अपने रब के साथ गुफ्तगू करे। और शायद वो आज के हालात की वजह से, आज के जमाने और दौर की वजह से, शायद महंगाई की वजह से या दूसरी जो चीजें हैं जिन्होंने इंसान को बड़ा मसरूफ किया है, शायद इंसान मायूस हो चुका है, शायद इंसान परेशान हो चुका है और उसे इस बात की जरूरत है कि वो उम्मीद के साथ आगे बढ़े। इसलिए आमद की पहली मोमबत्ती जो उम्मीद की मोमबत्ती है, उम्मीद की कैंडल है, ये जाहिर करती है कि हम उम्मीद के लोग हैं, हम मायूसी के लोग नहीं बल्कि उम्मीद के लोग हैं। बेशक मसीह खुदावंद में मेरे भाई और बहनों, बेशक बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, दुनिया जो है वो अफरा तफरी का शिकार है, हर कोई एक दूसरे से सबकत लेके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे तमाम हालात में हमें यीशु मसीह पर उम्मीद है कि हमारा निजात दहिंदा जो कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को निजात देता है, वो हम सबों को उम्मीद दिलाता है कि हम मायूसी, वरानी, सुनसानी की जिंदगी को छोड़कर हम शादमानी के साथ, उम्मीद के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। ये 2022 का साल, जब हम आमद के सीजन में शामिल हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, तो ये हमें दावत देता है कि हम जागते रहें और दुआ करें। जागना और दुआ करना ये बाइबल मुकद्दस में बड़ा जरूरी है। बेशुमार वाक्यात हमें ऐसे मिलते हैं, जब पुराने अहदनामे में हमें इन वाक्यात का जिक्र मिलता है कि जागो और दुआ करो, और फिर नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह भी खुद फरमाते हैं कि जागो और दुआ करो। इसलिए जब हम जागेंगे, बेदार होंगे, दुआ करेंगे, तो हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए बेशक दुनिया में वरानी है, कोई बात नहीं, जब तक दुनिया का निज़ाम है, हम उम्मीद के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद के साथ हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मुबारक कहते हैं। और इस सिलसिले में मेरी और आपकी जो रहनुमाई की गई है कि किस तरह पांच कुंवारियों की मानंद जागते रहना है और इंतजार करना है उम्मीद के साथ कि हमारा दुल्हा जल्द आने वाला है। इसलिए मैं उन शागिर्दों की मानंद तो नहीं हूं, जब उनको कहा गया कि जागो और दुआ करो तो वो सो गए, वो वैरानी, सुनसानी और परेशानी और सुस्ती की नींद में सो गए। लेकिन मैंने बेदार रहना है, जागना है, ताकि हमारी उम्मीद जो है वो इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पर है। खुदा पर उम्मीद लगा के बैठना है। और आमद के इन दिनों में दुआ और खरात के साथ साथ मैं किन कामों में आगे बढ़ सकता हूं, मैंने ये कोशिश करनी है कि
कि मैं क्रिसमस का मैं बड़े दिन का ऐसा स्टार बनकर चमकूं, ऐसा सितारा बन के चमकूं, ताकि मेरी रोशनी से हर कोई जो मायूस हो चुका है, जो परेशान है, जो लागर हो चुका है, जो शायद बड़ी दूर जा चुका है, उसे वापस आने की ज़रूरत है। और इसी उम्मीद के साथ आज हम जो कैंडल रीत की कैंडल पहली जो रोशन की गई है वो हमें उम्मीद दिलाती है। दूसरी रीत की जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, वो मोहब्बत को जाहिर करती है कि किस कदर खुदा हम सबों को प्यार करता है, और वही प्यार खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे में भी देखें। हम यीशु की मोहब्बत, यीशु का प्यार, यीशु की शफकत जो वो तमाम इंसानों के साथ करता है, हम भी दूसरों के साथ देखें। आज खानदानों में शायद मोहब्बत का फुकदान है, बहन भाइयों में शायद मोहब्बत का फुकदान है, पूरी दुनिया में देखें शायद मोहब्बत का फुकदान है, गली मोहल्लों में देखें, रिश्तेदारों में देखें, अजीजों में देखें, शायद मोहब्बत का फुकदान है। लेकिन आमद का सीजन एक बार फिर हमें मुतहर्रक करता है, हमें दावत देता है, हमें भरपूरी के साथ आगे बढ़ने का फजल देता है कि हम आमद के खूबसूरत अयाम में मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा जो मोहब्बत है, खुदा जो प्यार करता है, वही मोहब्बत खुदा हम में भी चाहता है कि हम दूसरों में भी बांटें। आमद की जो तीसरी कैंडल है यह खुशी को जाहिर करती है, और जब इंसान अपनी जिंदगी में उसे खुशी महसूस होती है, जब इंसान महसूस करता है कि मैं खुश हूं, तो फिर वो शादमानी के साथ आगे बढ़ता है, फिर वो अपनी खुशी में ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी शरीक होने की दावत देता है। इसलिए मसीह खुदावंद में मेरे अजीज मोमिनीन, आमद का सीजन, आमद का खूबसूरत मौसम, जो ही आमद के मौसम के साथ हम इस खूबसूरत रस्म का आगाज करते हैं, तो लोग अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपनी जिंदगियों में एक बार फिर से मुतहरक हो जाते हैं। ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर लोग अपने आप में इस बात को महसूस करते हैं कि मैंने आमद के खूबसूरत मौसम में, ये दुआ को जाहिर करते हैं, रियाजत को जाहिर करते हैं कि मैं किस तरह दुआ, रियाजत और आबादत के साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को अच्छे और बेहतरीन तरीके से कैसे मना सकता हूं। तो उसके लिए मैंने उम्मीद रखनी है, मैंने मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना है, और इस बहुत बड़ी अजीम खुशी में जो ना सिर्फ आसमान पर बल्कि जमीन पर, आसमान और जमीन ये दोनों का मिल जाना खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर कितनी बड़ी अजीम खुशी है कि हम इस खुशी में जब यीशु मसीह ऐसे वो तमाम लोग जो वरानी की, जो सुनसानी की, जो बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ऐसे तमाम लोगों को खुशी की दावत देना चाहता है। और ये तीसरी जो मोमबत्ती है ये गुलाबी रंग की है, जो कि हर तरफ शादमानी को, खुशी को जाहिर करती है। इसलिए मैंने और आपने जब हम आमद के इन मुबारक अयाम में, इन मुबारक दिनों में जब हम गुजर रहे हैं, तो हमने अपने अपने खानदानों में भी, अपनी अपनी जिंदगी में भी, अपनी गिर्दोनवा हर एक को खुशी की खबर देनी है, हर एक को जिंदगी की खबर देनी है, क्योंकि मनंजीय दुआलम खुदावंद यीशु अल मसीह जो अर्शे बरी को छोड़कर जमीन पर आया, और उसके जमीन पर आने से पूरी दुनिया को रौनक मिली, खुशी मिली, निजात मिली, बरकत मिली और फजल मिला। इसलिए मसीह खुदावंद में मेरे अजीज मोमिनीन, मुझे उम्मीद है, मेरा ईमान है कि आप जब आमद के इस खूबसूरत मौसम में पाक मां कैथोलिक कलीसिया जब हमें खूबसूरत मुबारक अयाम फराहम करती है कि हम दुआ भी करें, हम जागते भी रहें, हम मोमबत्तियां भी रोशन करें, हम अपने आप में तब्दीली भी पैदा करें, हम दूसरों को अपनी इस खुशी में शामिल करें, हम दूसरों को मोहब्बत के साथ जानें, हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, तो ये खुशियां हमने आपस में एक दूसरे को देनी है। इसलिए ये हमें दावत भी देती हैं, इस बात की दावत देती हैं कि शायद हम कमज़ोर हैं, शायद हम गुनाहगार हैं, शायद हम परेशान भी हैं, शायद हम बीमार भी हैं, लेकिन रूहानी तौर पर यह मौसम हमें रूहानी तौर पर तकवीयत देता है, जुरत देता है, ईमान की जुरत देता है कि बेशक हम जैसे भी हैं, हम यीशु मसीह के पास हैं।
हमने अपनी शमा को, हमने अपने चिराग को रोशन करना है और तारीकी, वरानी और सनसानी के अंधेरों को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हम सबों को इस बात के लिए तैयार करता है कि हम नूर बनकर, कि हमारी जिंदगी नूर बनकर दुनिया की वीरानी और सुनसानी को दूर करें। दुनिया में हर चीज को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया में उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, मोहब्बत के साथ बेशुमार लोगों को आगे एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है, अपने साथ मिलाया जा सकता है, और खुशी के साथ, जो कि बड़ी अजीम खुशी है, इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया जा सकता है। और आमद की जो रीत की जो चौथी मोमबत्ती है, जो अमन को जाहिर करती है, सलामती को जाहिर करती है, कि पूरी दुनिया में सलामती हो, पूरी दुनिया में मोहब्बत बढ़े, पूरी दुनिया में खुदा का प्यार बढ़े। तो इसलिए ये मुबारक अय्याम बड़ी ईमानी कुव्वत के साथ हमारी मदद करते हैं कि हम यीशु अल मसीह को अपने दिल की चरनी में बसाएं। जब हम अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह की इस चरनी को सजाएंगे, जब मेरा और आपका और पूरी दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह जब वो हमारे दिल की चरनी में आएगा, तो शायद हमारी जिंदगी में भी, हमारे घर में भी, हमारे खानदान में, हमारी फैमिलीज में, हमारे गिद्दोंदवा हर तरफ अमन की फजा होगी। इसलिए मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, मैं आपको आमद के खूबसूरत मौसम में, जिसमें मैं और आप और पूरी दुनिया के तमाम मोमिनीन शामिल हैं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आए हम आमद के मुबारक दिनों में, आमद के खूबसूरत अय्याम में, हम खुदावंद यीशु अल मसीह की जब वलादत की, पैदाइश की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये दिन हमें दावत देते हैं कि हम अपने तमाम उन कामों को, उन बातों को जो अक्सर औकात हमें खुदा से, इंसानों से दूर करते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें। इसलिए आमद का मौसम जो हमें इस बात के लिए 4 हफ्ते पहले, ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 4 हफ्ते पहले हमारी तिलावतें, हर रोज की तिलावतें, हर इतवार की तिलावतें हमारी मदद करती हैं कि हम खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, हम तोबा करें, हम मुआफ़ी मांगें, हम एक दूसरे को कबूल करें, हम एक दूसरे के लिए मुआफ़ी का वसीला बने, हम एक दूसरे को ज़िंदगी देने वाले बने, हम एक दूसरे को खुशियां देने वाले बने, और हमारी मौजूदगी हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे अदारे में, या जहां पर भी हम ड्यूटी करते हैं, एक दूसरे के लिए खुशी का वसीला बने। और ये उस वक्त ही पॉसिबल है जब हम कोशिश करेंगे, जब हम कदम उठाएंगे, जब हम अपने हाथ दूसरों के लिए, दुआ के लिए उठाएंगे। तो यकीनन ये दिन हमें दावत भी देते हैं कि हम इन दिनों में अतराफ करें, मुआफ़ी मांगें, पशेमान हो, ताकि गुजरी हुई जिंदगी की खताओं और गलतियों से मुआफ़ी मांगकर अपने दिल की चरनी में यीशु मसीह के लिए जगह तैयार करें। इसलिए लाजमी है, ये बहुत लाजमी है कि हम इन दिनों में हर रोज की तिलावतों पर, जो हम कैथलिक टीवी के जरिए सुनते हैं, या आप अपने घरों में कैथलिक कैलेंडर के मुताबिक तिलावत नामे के मुताबिक भी पढ़ते हैं, या गिरजाघरों में तिलावतें हर रोज पढ़ी जाती हैं, हर इतवार की तिलावतें, ये हमारी मदद करती हैं कि हम किस तरह इन मुबारक दिनों में अपनी जिंदगी को और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया जो है वो अफरा तफरी का शिकार है, दुनिया में लड़ाई झगड़े हैं, दुनिया में फसाद है, दुनिया में बीमारियां बेशुमार हैं, बेशुमार लोग मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे तमाम हालात में हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह, जो कि आसमान को छोड़कर जमीन पर आता है, हमें उम्मीद दिलाता है, हमें कुव्वत देता है, हमें मोहब्बत बख्शता है, हमें उम्मीद की खुशी अता करता है कि हम ऐसे तमाम हालात में, आमद के खूबसूरत दिनों में, जो आमद के दिन मुबारक दिन है, जो आमद के दिन दुआ बंदगी रियाजत करने वाले दिन है, जो तोबा और तब्दीली के दिन है, जो रोजा रखने के दिन है, ये हमें दावत देते हैं कि हम यीशु मसीह को पहन लें, हम अपने दिलों की राहों को सीधा करें, हम अपने दिलों की राहों को तैयार करें, ताकि इस साल जब हम
ولادت یسوع المسیح منائیں تو میری زندگی میں ایک عجیب، ایک نرالی، ایک انوکھی خوشی ہو، کہ کس طرح وہ خوشی جو منجید عالم خداوند یسوع مسیح نے آسمان سے اتر کر تمام بنی نو انسان کو دی ہے، وہی خوشیاں میں دوسروں میں بانٹوں۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے بھائی اور بہنوں، آمد کے خوبصورت ایام جو ہم بڑی شادمانی کے ساتھ گزاریں گے، محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ آمد کا پہلا اتوار جو ہم 27 نومبر کو منائیں گے، یہ آمد کی پہلی موم بتی روشن کی جائے گی جو امید کی کینڈل ہے۔ پھر ہم 4 دسمبر کو آمد کا دوسرا اتوار منائیں گے، دوسری موم بتی روشن کی جائے گی جو محبت کی کینڈل ہے۔ پھر ہم 11 دسمبر کو آمد کی تیسری کینڈل روشن کریں گے جو خوشی کی علامت ہے۔ پھر ہم 18 دسمبر کو آمد کا چوتھا اتوار منائیں گے، چوتھی موم بتی روشن کریں گے جو امن کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم منجید عالم خداوند یسوع المسیح کی ولادت کا دن یعنی پیدائش کا دن منائیں گے جو خوشیوں سے بھرپور ہے، جو محبت سے بھرپور ہے، جو سلامتی سے بھرپور ہے، جو ہم سبوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کی چرنی میں خداوند یسوع المسیح کو اتار سکیں، پہن سکیں، تاکہ ہماری زندگی سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ اس لیے مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں، میری طرف سے آپ سبوں کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ سبوں کو جو آمد کے خوبصورت، مبارک، مقدس اور پاک ترین ایام میں شامل ہیں، آپ کو یہ دن بہت بہت مبارک ہوں۔ میرا ایمان ہے، میں اس امید کے ساتھ آپ سبوں کو اس خوبصورت موسم میں شامل ہونے کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں مبارک دن دیے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس لیے میری دعا ہے کہ خداوند اس موسم میں ہر خاندان کو، ہر انسان کو، ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو یہ فضل دے کہ ہم یسوع مسیح کی ولادت کو منانے کے لیے اپنے دلوں کی چرنیوں کو تیار کریں۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کو، اپنے آفس کو، اپنے جہاں پر بھی ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، ادارے میں کام کرتے ہیں، اسکول میں کام کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اپنی خدمت سے یسوع مسیح کا جلال جو ہے وہ اپنی زندگی سے ظاہر کریں گے۔ میری طرف سے آپ سبوں کو آمد کا خوبصورت موسم بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔